जो इस मुल्क में बोलेगा उसको ठालो, उसको जनाब तुन दो, उसको जनाब मार दो, और लबना ही नहीं भाई। हमें यहाँ तो डिक्लेयर करें कि हम इंदिरा गांधी की औलाद में से हैं, कायदे आजम से हमारा लेना देना कोई नहीं है। और अगर ये नहीं डिक्लेयर कर सकते फिर तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है। मुल्क हमारा हमारे माँ बाप की कुर्बानियों से, हमारे बाप दादाओं की कुर्बानियों से, हमारी माओ बहनों बेटियों की कुर्बानियों से। क्या तुम्हारा कोई मरा भी है? कोई साबित तो करो। जाति उमरा किस चीज का नाम है आपको पता है? इंडिया के अंदर एक जगह का नाम है जाति उमरा। तो मैं कहता हूँ इस कौम की इससे बड़ी बदबख्ती देखे जिन्होंने आज तक तुम्हारे मुल्क का वजूद तस्लीम नहीं किया। तो उसे जनाब अजी नारे मारे एक कहानी वे शेर फिटे मुंह किस दहाने में खड़े। कौम की कहती साड़ी फुफी का विवाह करा दो। कौम कहती इलेक्शन करो साले नहीं लगे तुसी, पैसा साडा टैक्स साडे, हुक्मरान असी अवाम असी। और इस कौम की इससे बड़ी बदबख्ती क्या देखेंगे? इस कौम को आज तक इतना शऊर नहीं आया। ये जो एमएनए एमपी कटोरा लेकर हमारे दरवाजों पर आते हैं ना, दरवाजा खड़का के अल्लाह दे वास्ते वोट दो, पहले हम उसको वोट देते हैं, फिर आप जैसा जब कोई एमएनए या बन जाता है, माइंड नहीं करना, वजीर बन जाता है, तो फिर हम उसको कहते हैं सर प्लीज एक सेल्फी सर। वो फिट्टे मुंह कतू तुम्हारी ये है कि हमें खुद शऊर नहीं आ रहा कि मांगने वाले भिखारी को हम खुद कह रहे हैं सर एक सेल्फी। उसको चाहिए कि वो कहे यार तुसी मैनू इज्जत दी, साड़ी गड्डी दे उते एक झंडा लवाया, उनके उते होटल लवाया, चार गनमैन दिते ने, मैनू घरों सालन नहीं सी मिलता, तो तुहाडी वजह नाल मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनया। ये इतना बड़ा फैसलाबाद में वो जो झोल मोल हुआ है, मुझे ये बताएं किसी ने खत्म नबूवत पर बात की है? कहां गया इनका वो चाबी वाला इश्क रसूल अल्लाह? कहां पर है ये? शर्म नहीं आती इनको? इनकी गैरत नहीं जागती? मुसलमानों के ये जज्बात को मरजू करते हैं? कोई एक लीडर बार भी शर्म नहीं आया? एडी इंडिया दाड़ियां, एडी इंडिया पगा, तो नाल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और डुब के मर जाओ यार, कब तक इस मुल्क में तुम इस्लामी सियासत करते रहोगे? मैं एक नहीं बोला आपको, मैं जाती तौर पर लाइक करता हूँ क्योंकि आप खड़े सवाल पूछते हैं, सवालों से गुस्सा नहीं कर रहा, इस बात से शर्म आती है कि ये 25 रुपए का माइक लेके तू नहीं जा रहे हो। तुझसे इमरान जरूरत क्यों? इमरान और यार इमरान नहीं है तो किसको लाएं बताओ? कायदे आजम को लेकर आए, उलामा इकबाल आएगा इस कौम का मुस्तकबिल संवारने के लिए, जिसने अपनी बहन से नाराजगी का आलम किया था और जिसने पूरी एस्टेब्लिशमेंट के बैठे हुए कायदे आजम मोहम्मद अली जिना ने ललकार कर पूछा था कि क्यों ये तुम्हारे जाति पैसे हैं, आज के बाद मेरे हाउस में कोई चाय बिस्कुट नहीं चलेगी। और इतने वजीर 173 गड्डिया के काफले लेके जा रहे हैं, बच्चे का पेट्रोल सरकारी, बेटी का पेट्रोल सरकारी, दमाद का पेट्रोल सरकारी, भैन दी नंद का गौशाला उनका पेट्रोल सरकारी। वो यार खुदा का खौफ करो, कितना इस मुल्क का बेड़ा कर करोगे? क्या लूट रखा इस मुल्क को? है जी हड्डियां ले ली हमारी है जी। और फिर कहते हैं और इनके पास आखिरी चाल क्या है? आखिरी ये भी सुन ले, एस्टेब्लिशमेंट जी ये करवा रही है, कोई फौज करवा रही है। बाबा जी पी लेने हैं, नहीं सा निकलन लगा पहले इन्हों में बड़े पानी पी लो यार। मैं इन्हों बड़े अरसे का लभ रहा, पहले मैंने इतने मंजी ठोक लेने दो, पानी पी लांगे बाद। अच्छा जी, मारूसी सियासत सिवाय बदबख्ती के इस मुल्क के और कुछ भी नहीं है। इतराजात उम्मीदवार खड़े हो जो आप ठीक है, सबसे पहले आपके महल में आपको पूछा जाएगा कि आपकी रेपुटेशन क्या है। अगर इंतहाई शरीफ आदमी हो तो तुम चूड़िया का मेंबर, चूड़े समझ आती है गटर साफ करने, चूड़िया का मेंबर नहीं तू लग सकता जदों तक तू इस मुल्क दलंगा ना होगा। ये है खड़वी बातें। और कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछे बताते हो। गरीब कहाँ खड़े आज है? गरीब किधर खड़े? मेहनत किस काम? गरीब बैठा है, लॉर्ड माउंटबेटन थोड़ी है। कैसी बात करते हो यार, गरीब कितने पराठों बैठे है? गरीब थड़े हुकूमत ने पूछ लिया क्या फुटपाक भी साढ़े प्यो की मलकियत है? अज नहीं, मैं अल्लाह नु गुआ बना के तेरा कोई एक प्रोग्राम ऐसा होएगा हजूर दी जुतियां दे सदके जेड़ा मैं मिस किया होएगा, सारी वेखे ने। आज तू मेरी मर्जी ठोकनी है, मैं तेरे सवाल दी ठोकनी ताकि तू अगली बारी किसी ना पूछे क्यों जरूरी है। ओ खुदा दा खौफ करो। और इस मुल्क की बद बख्ती पता क्या है? जिसको कुकड़ी सही लाल करना नहीं ना आती उसको कहने इन वजीरे कानून ला दो। अब पहले सुन ले, इसको वजीरे कानून लगा दो। जिन्हू कुत्ते का इलाज करना नहीं आता कहते सेहत का वजीर ला दो। तुहाडे मुल्क दा इस तो ज्यादा खाना खराब की होगा? जिन्हू अदलिया दे हे बेदा नहीं पता ठीक है उन्होंने वजीरे दाखला ला दो। जिन्हू जनाब मेरी जिन्हू अपना नहीं पता के महल कि स्ट्रीट लाइटा खराब ने उन्होंने वजीरे खारजा ला दो ठीक है। जो कोई बहुत वड्डा कोई लैंड